ये कुछ रिजल्ट इस तरह से मुझे मिला है, अब देख सकते हैं। दोस्तों पहली बार ऐसा प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपनी बॉडी पर यूज़ नहीं किया है। बाय गॉड पहली बार मैं इसे यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इसे यूट्यूब पर देखे थे, उसे देख के ही मैंने इसे मंगा लिया है और काफ़ी क्यूरियोसिटी मुझे हुई थी अंदर से मंगाने की, तो आज मेरे हाथ में ये है। आज मैं इसे यूज़ करूँगा, देखूँगा कि कितने परसेंट ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है, कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा ओवरऑल। चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज से पहले आप लोगों ने काफ़ी सारे रेजर्स एंड सीजर्स यूज़ करे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिमर्स भी यूज़ करे होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की क्रीम्स भी यूज़ करे होंगी, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बट टुडे आई विल शो यू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट, स्प्रे वाला प्रोडक्ट, नो छिपचिप नो चिकचिक वाला प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, न्यूड हेयर रिमूवल स्प्रे फॉर मेंस एंड वीमेंस यूनिसेक प्रोडक्ट दोस्तों है, महिला और पुरुष दोनों लोग इसे यूज कर सकते हैं। 100 ml की बॉटल है दोस्तों। जैसे हम लोग बॉक्स को रोटेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये हेयर रिमूवल बना हुआ है नीम, एलोवेरा, कैमोमाइल, जोजोबा ऑयल, लेमन ऑयल एंड साथ में सनफ्लावर सीड से। दोस्तों बॉक्स हम लोग धीरे से फिर से रोटेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को यूज करने का आसान तरीका दिखा हुआ है। जैसा कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले जहाँ के बालों को रिमूव करना है वहां पे इस स्प्रे को जेंटली स्प्रे करना है, देन आफ्टर 8 से 10 मिनट आपको वेट करना है, देन आफ्टर आपको किसी कॉटन पैड से, सॉफ्ट कॉटन से इसे धीरे से वाइप करना है यानी पोंछ लेना है, देन आफ्टर आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। चलिए आइए हम लोग इसी तरह से इसे यूज करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लिक्विड फॉर्म को यूज़ करने से पहले आपको इस तरह से शेक करना है और देन आफ्टर आपको जिस भी पोर्शन में इस स्प्रे को यूज़ करना है उस पोर्शन में आपको इसे जेंटली स्प्रे कर लेना है और इसके बाद उस पोर्शन के जहां के आपको हेयर रिमूव करने हैं वहां पर इस तरह से आपको हाथों से इसे फैला लेना है और 8 से 10 मिनट वेट करने के बाद इसे नॉर्मल कॉटन से या फिर नैपकिन या टिश्यू से आपको जेंटली रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद इसे आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इस हेयर रिमूवर स्प्रे ने किस तरह से अपना वर्क किया है। मैं स्लोली स्लोली कैमरा जूम इन कर रहा हूँ और दोस्तों ये देखिए, इस पोर्शन में मैंने इस रिमूवर को स्प्रे किया था और इसने प्रॉपर 100% वर्क तो नहीं किया है, छोटे छोटे से बालों के पिंप आर्टिकल्स दिख रहे हैं अभी भी, अप्रॉक्स 80% इसने दोस्तों वर्क किया है। सो जैसा कि आपको पता है मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे बताता हूँ आपको और फिर उसे रेटिंग भी देता हूँ। सो आज भी आपको मैं ट्रोली रिव्यू दूंगा, जैसा कि आप अभी वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्ट ने वर्क किया, नहीं इस रिमूवल ने वर्क किया है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 80% इसने वर्क किया है, 20% इसने वर्क नहीं किया है, जगह जगह पर इसने बाल थोड़े थोड़े से छोड़ दिए थे, तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग इसे और टाइम थोड़ा सा दोगे, टाइम टेकिंग दोगे, मैंने इसे 5 से 6 मिनट या 8 मिनट के आसपास मैंने दिए थे, अराउंड 10 मिनट अगर आप लोग इसे दोगे तो शायद ये वर्क करेगा, बट आप लोग अगर इसे यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रोडक्ट मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हुआ, बट अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं और यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि परफेक्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं, यू शुड बाय इट। एंड दोस्तों बात कर रहा था मैं अभी निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की, तो मैं निगेटिव की बात करता हूँ, मुझे इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। दोस्तों इसका स्प्रे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, 4-5 बार मैंने स्प्रे किया इसको खोलने के बाद, तब ये स्प्रे बाहर आया है, बाहर आया भी तो है ये स्प्रे फॉर्म में ये फैल नहीं रहा है, वाइड एंगल नहीं हो रहा है, ये एक ही जगह पॉइंट कर रहा है इसका स्प्रे, एक जगह स्प्रे करने के बावजूद इसे हाथ से लगाना पड़ रहा है मुझे ऐसा करके, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, जैसे कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। स्प्रे वो बेस्ट होते हैं जो आपने स्प्रे किया और अपने आप फैल जाए और आपको हाथ ना लगाना पड़े। इसके बाद
दूसरा पॉइंट मुझे इसका खराब ये लगा, टाइम टेकिंग है दोस्तों, 8 से 10 मिनट तक का वेट करना पड़ रहा है। काफी सारे स्प्रे मैंने ऐसे देखे हैं कि इसको आपने लगाइए 2 से 3 मिनट बाद उसको आप स्वाइप कर दीजिए, हट जाता है बिल्कुल। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉइंट की। तो सबसे ज्यादा मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छा लगा है तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है उसकी क्वालिटी की, काफी तगड़े से इसने 8 से 10 मिनट में अपना काम किया है। काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे और आप लोगों को तभी रिकमेंड कर रहा हूँ। 8 से 10 मिनट में किया है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इसने जो वर्क किया है ना काफ़ी अच्छा किया है। मेरी स्किन आप देख सकते हैं स्मूथ काफ़ी हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना रैशेस हुए ना ड्राई स्किन हुई। तो ये चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की अच्छी लगी। ओवरऑल इसका लुक, बॉक्स की पैकिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्लासिक है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी प्रोडक्ट है। काफ़ी स्मॉल सा मिनी पैक है, आप लोग इसे बैग में अच्छे से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो। तो ओवरऑल 5 में से 3.5 की रेटिंग देना चाहूँगा, बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। इसका परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। Amazon एंड Flipkart दोनों पे ये आसानी से अवेलेबल है। साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, इनकी प्रॉपर एक वेबसाइट है www.everteen-nude.com, वहाँ से भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं दे पाऊंगा तो आप लोग मुझे और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। जब तक लिए वीडियो एंड कर रहा हूँ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।